नमस्कार, आप सभी को चर्चा चौक से और कॉफी हाउस विचार मंच परिवार की ओर से दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा चौक के विशेष कार्यक्रम में एक बार फिर हम आपके साथ हैं। आज दीपावली का दिन है, हम बात करेंगे नगर विकास की, शहर विकास की और थोड़ा अध्यात्म की। पुरातन काल से आधुनिक काल तक जब राजाओं ने शासन किया है तो उनका मार्गदर्शन गुरु आचार या किसी संत ने किया है, और जो राजा गुरु की आचार की या संतों के मार्गदर्शन में काम करते रहे उनका राजकाज अच्छा चला और बेहतर नाम हुआ, उन्होंने शासन बेहतर तरीके से किया। जिन्होंने संतों की बातों को नकार दिया, गुरु के ज्ञान का उपयोग नहीं किया, आचार्यों से मार्गदर्शन नहीं लिया, कालांतर में उनकी सत्ताओं का पतन हुआ। बहुत सारे उदाहरण हमारे सामने हैं। राजा दशरथ राजा राम के राज्य में गुरु वशिष्ठ से वो मार्गदर्शन लेते थे, और आज हर जगह राम राज की स्थापना की चर्चा होती है कि राम राज की स्थापना होनी चाहिए था, ऐसा राज था गुरु वशिष्ठ के निर्देशन में राजा दशरथ ने किया, राजा राम ने किया। हम अगर महाभारत की तरफ जाते हैं तो जब गुरुओं की बात नहीं मानी तो महाभारत में कौरवों का पतन हुआ, कारण कोई भी हो सकता है। हम आधुनिक इतिहास की बात कर लें तो चंद्रगुप्त ने को एक गुरु आचार्य चाणक्य ने मार्गदर्शन दिया और राजा बनाया, बेहतर राज चला। कुल मिला के कहने का इतना है कि राजा के पीछे संत या आचार्य या गुरु का ज्ञान होता है तो राजकाज बेहतर चलता है, और जब इनका अभाव होता है तो निश्चित तौर पर पतन होता है। आज हमारे मंच पर एक ऐसे ही महामंडलेश्वर गुरु संत आचार्य मौजूद हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि किसी भी राज्य के विकास में, शहर के विकास में कितना महत्व होता है गुरु के ज्ञान का, संतों का, आदर्शों का, और उनकी नज़र में कितना ज़रूरी है, क्या सोचते हैं नगर के बारे में, शहर के बारे में। वर्तमान में राजाओं ने जब संतों की बातों को नकार की, तो आधुनिक समय में हमारे भारत में एक ऐसा राज्य है, हमारे देश का सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, जहां पर एक गुरु ही शासन कर रहा है। हमें लगता है कि जब गुरुओं की बात राजा ने नहीं मानी तो शायद गुरुओं को लगा हो कि हम ही शासन करके एक बेहतर राज्य की स्थापना करें, बेहतर स्थिति को लाएं। बहुत सारी बातें हैं। हम बहुत स्वागत करते हैं स्वामी महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी का। आज वो हमारे कॉफी हाउस विचार मंच पर हैं। मध्य प्रदेश गौपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड के वो अध्यक्ष भी रहे हैं, बहुत सारा काम किया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे विचार मंच पर, कॉफी हाउस विचार मंच पर। आपने अपना समय दिया, धन्यवाद। हम ये जानना चाहते हैं कि जो हमने बात कही कि जो राजा गुरु का, आचार्यों का, संतों का ज्ञान लेते रहे उनका राजकाज बेहतर चला, कालांतर में कुछ परिवर्तन होते रहे, तो आपकी नज़र में शहर कैसा होता है, शहर विकास कैसा, तो वो हम थोड़ा जानना चाहते हैं। मैं आपकी जो प्रस्तुति अभी आपने जो की, मैं उससे अक्षरशः सहमत हूँ। और हम जब अपने देश के विकास के बारे में या अपने नगर या शहर के विकास के बारे में या भारत की ग्रामीण संरचना के बारे में चिंतन करते हैं तो एक बात अतीत से लेकर आज तक मुखरित होती आई है। हमारे शासकों ने सदैव राजनीति के या शासन तंत्र के आदर्शों का अनुपालन किया है, और जितनी भी नीतियां समाज में हैं उसमें विशेष रूप से जो राजनीति है या जो शासनकर्ताओं के लिए नीति है, उन नीतियों का नियमन और उनका निर्धारण भारतीय ऋषि मुनियों ने किया है। भारतीय ऋषि मुनि जहां एक ओर जंगल में रहते थे, वहीं दूसरी ओर वो अपनी नागरिक सभ्यता के साथ भी जुड़े हुए थे, और इसलिए वो समय समय पर शासकों का मार्गदर्शन करते थे, प्रशासकों को वो नीति की बात बताते थे। इसलिए आपकी इस बात से मैं पूरी तरह से सहमत हूँ कि आज भी यदि हमको शासन तंत्र को व्यवस्थित देखना है, प्रशासन तंत्र को व्यवस्थित देखना है, तो कहीं ना कहीं हमको हमारे पारंपरिक जो सूत्र हैं संचालन के, उन सूत्रों का आश्रय लेना पड़ेगा। इससे कोई भी असहमत नहीं हो सकता। आज जो देश में शासन तंत्र के साथ, प्रशासन तंत्र के साथ
कहीं कहीं जो अराजक स्थितियां निर्मित होते दिखाई पड़ती हैं उसके पीछे कहीं ना कहीं हम जब मूल्यों का विस्मरण कर देते हैं और बहुत समसामयिक होकर के और दूसरों का अनुकरण करने लगते हैं, क्योंकि वर्तमान का जो समय है वो ग्लोबलाइजेशन का समय है और हम सैटेलाइट के युग में जी रहे हैं जी जी। तो इसलिए दुनिया की कोई भी बात हमारे यहाँ आ सकती है और हमारी कोई भी श्रेष्ठ है या अश्रेष्ठ है वो दुनिया में जा सकती है। इसलिए हम अनुकरण तो करते हैं, पर अनुकरण हमको उन देशों का नहीं करना चाहिए जिनकी तासीर हमारे देश के साथ तालमेल न रखती हो। इसलिए हमारे देश की परंपरा, हमारे देश का पारंपरिक विश्वास, हमारे देश का जो पारंपरिक जीवन मूल्य है उसके आधार पर यदि हम विकास के मॉडल को तैयार करेंगे जी जी। और उसके लिए हम जो विविध आयाम हैं उन आयामों के माध्यम से हम विकास के रास्ते खोलते जाएंगे तो सचमुच हम सतयुग की ओर लौट जाएंगे, सचमुच हम द्वापर की और त्रेता की ओर लौट जाएंगे। लेकिन कलयुग में आते आते मूल्य ध्वस्त होते चले गए और हुआ ये कि हमने पश्चिम की अवधारणा को स्वीकार करना प्रारंभ कर दिया। उसके कारण जो हमारी, इसको अंग्रेजी में कहना चाहूँगा मैं, ओल्ड कंसेप्ट, प्राचीन अवधारणाएँ, वो कहीं ना कहीं धूल धूषित होती दिखाई पड़ रही है। इसलिए कि दूसरों का हमको अच्छा लगने लगा और हमारा लगता है कि ये कालेबाह हो चुका है और इसके कारण बहुत सारी विकृतियां आ गई हैं। इसलिए मैं आपके स्वर में अपना स्वर मिलाते हुए कहना चाहूँगा कि श्रेष्ठ जनों का मार्गदर्शन, और हमारे यहाँ तो नीति का सबसे बड़ा ग्रंथ महाभारत है, उसमें लिखा है महाजनो येन गतः सपन्था, महापुरुष जिस मार्ग से चले गए हैं और जो सरणी, जो मार्ग हमको निर्माण करके दिया है उस पर हमको चलने का अभ्यास करना चाहिए, तब हम अपने देश का, अपने समाज का, अपने नगर का, अपने शहर का, अपने गांव का समग्र और समुचित विकास कर सकते हैं। आपकी निगाह में या आपके विजन में, आपके नज़रिए से हम देखना चाहें तो हमारा शहर पिछले 25 वर्षों में, 20-25 से दो दशक में मान लें, कहाँ पहुँचा हो, कहाँ होना चाहिए था इसको? जबलपुर के संबंध में जब हम विचार करते हैं कि इसके विकास की अवधारणा क्या होनी चाहिए और इसके विकास के मापदंड क्या होने चाहिए, तब कहीं ना कहीं हमको जबलपुर का इतिहास भी जानना पड़ेगा। आज हम जबलपुर कहते हैं लेकिन हमने बुजुर्गों के मुख से सुना है कि इस नगर का नाम जबलपुर नहीं, प्राचीन काल में जावालीपुरम था जी जी। और जावालीपुरम का मतलब है कि एक जावाली नाम के ऋषि यहाँ तपश्चर्या करते थे और वो समाज का समुचित मार्गदर्शन करते थे। इसलिए हमको जबलपुर के विकास के लिए इसके इतिहास को देखना होगा, इसकी प्राचीनता को देखना होगा और यहाँ पर जो कुछ भी प्राकृतिक दृष्टि से हमको जो सहज रूप में उपलब्ध है, यदि उन संसाधनों को हम देखेंगे तो नर्मदा सबसे बड़ा वरदान इस नगर के लिए है। इसलिए यहाँ के विकास के जितने भी आयाम डेवलप होंगे वो नर्मदा का आश्रय लेकर ही होंगे। दूसरी महत्वपूर्ण बात कि नर्मदा की परिक्रमा की जाती है और नर्मदा की परिक्रमा आज से नहीं हो रही है, नर्मदा का प्रादुर्भाव सतयुग में हुआ, तो सतयुग से लेकर के नर्मदा की महिमा केवल जावालीपुरम जबलपुर में ही नहीं बल्कि नर्मदा का जो पूरा परिक्षेत्र है गुजरात तक का, वहाँ तक उसकी महिमा स्थापित है। और उसकी महिमा के आध्यात्मिक पक्ष भी हैं, आधिदैविक पक्ष भी हैं और उसके भौतिक पक्ष भी हैं। तो यदि हम विकास के मापदंडों को खोजना चाहेंगे जी जी। तो नर्मदा के इर्द गिर्द हम आध्यात्मिक दृष्टि से भी खोज सकते हैं जी जी। हम आधिदैविक दृष्टि से भी खोज सकते हैं जी जी। आदि भौतिक दृष्टि से भी खोज सकते हैं जी जी। फिर नर्मदा के आसपास जो पूरा परिक्षेत्र है वो प्राकृतिक वातावरण से जो है आच्छादित है जी जी। उसमें हमें खनिज भी दिखाई पड़ता है, उसमें हमें वनस्पति भी दिखाई पड़ती है जी। उसमें हमें अनेक प्रकार के संसाधन दिखाई पड़ते हैं। यदि उन संसाधनों को हम विकास का आयाम मान करके और उसके आधार पर उसका आश्रय लेकर के अगर हम नगर के विकास की अवधारणा को आज के समय में लागू करना चाहेंगे तो अपार संभावनाएं इस नगर के विकास की दिखाई पड़ती हैं। उदाहरण के तौर पर जब सन 1916 का वाकया था, अंग्रेजों का शासनकाल था यहाँ पर, उस समय नगर की ये शक्ल नहीं थी। नगर तब कहीं ग्रामीण परिवेश में भी दिखाई पड़ता था, कहीं कहीं नगरीय सभ्यता भी दिखाई पड़ती थी जी जी। और शहरी विकास का क्रम भी दिखाई पड़ रहा था जी जी। तो उस समय भी यहाँ के लोग
गौ पालन में अभिरुचि रखते थे, यहाँ के लोग पशु के प्रति प्रेम रखते थे जी। और उसको देखते हुए जब जून का महीना बरसात का आता था तब यहाँ पर किसान गोपालक अपने अपने गोवंश को एकत्रित करते थे और उसे जंगल की राह दिखाते थे कि हमें बोनी करनी है जी जी। और बोनी करनी है तो हमारी फसल सुरक्षित रहे, जो जगने वाली फसल है उसको इन हमारे पालतू मवेशियों के द्वारा नुकसान न हो तो वो जंगल में भेजा करते थे जी जी। और एक प्राकृतिक समीकरण है, सृष्टि के आदिकाल से बना हुआ है। हमारे यहाँ चाहे हम गोवंश कहें, गोवंश जो है वो अन्य सभी पशुओं का उपलक्षण है, इसलिए गो चाहे क्योंकि हमारे घर का पशु था, हमारे घर का सदस्य था, इसलिए हमने उसके प्रति बहुत आत्मीयता रखी। तो ये झुंड के झुंड एकत्रित होकर के जब जंगलों में जाते थे और चार महीने वो जंगलों में रहते थे और ग्वाल वाल लेकर के चले जाते थे, तो अंग्रेजों के उस समय के तत्कालीन शासकों के दिमाग में आया कि इतने सारे पशु एकत्रित होकर के जंगल की ओर क्यों जा रहे हैं। तब लोगों ने बताया कि अपनी फसल की सुरक्षा की दृष्टि से हमने पशुओं को चार महीने के लिए जंगल में शिफ्ट किया है। तो उनको आश्चर्य हुआ कि जंगल में तो जानवर रहते हैं, घातक जानवर रहते हैं, ये जो पशुओं को नुकसान पहुंचा सकते हैं, उनके जीवन की हानि कर सकते हैं, और पशु वहां पर जा करके वो छोटे छोटे शिशुओं को जन्म भी देंगे, तो कोई ना कोई व्यवस्था करनी चाहिए। तो वो जो परकीय शासक यहाँ थे वो विकास की दृष्टि से जब सोचते थे तो वो एक जिसको हम कहें संवेदना को भी ध्यान में रखते थे। यदि शासक संवेदनशील नहीं होगा, शासक कठोर होगा, तो वो लोगों के साथ न्याय नहीं कर पाएगा। तो उन्होंने क्या किए, मध्य प्रदेश में, मुझे मध्य प्रदेश का इतिहास मालूम है, अपन नगर में बैठे हुए हैं इसलिए मैं जबलपुर को रेखांकित कर रहा हूँ, कि कुंडम नाम का जो जंगल था वहाँ पर उन्होंने 1,000 एकड़ जंगल को गायों के लिए सुरक्षित कर दिया था और वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया था, दो संरचना वहाँ बनाई थी और कहा था कि सुरक्षित रहें। चार महीने के बाद जब कार्तिक का महीना आता था, गोपाष्टमी आती थी, वे सारे मवेशी धीरे धीरे घरों में वापस आते थे, तो उनकी सुरक्षा का ध्यान और इसके साथ साथ किसी भी प्रकार का नुकसान न हो जाए, इसका ध्यान वो शासक रखते थे। तो हमारा कहना ये है कि उसको यदि हम मॉडल मानते हैं तो आज भी नगर में धमा चौकड़ी हमको पशुओं की दिखाई पड़ती है, हम उनको अनाथ बेसहारा आवारा जैसे छोड़ देते हैं। कुछ दिन पूर्व, लगभग 2 वर्ष पूर्व, जबलपुर के आसपास की 55 ग्राम पंचायतों को नगर के विकास की दृष्टि से जब नगर की परिसीमा में शामिल किया गया तो उस समय मेरा एक चिंतन चला कि इन 55 ग्राम पंचायतों में गोचर भूमि तो रही होगी, भले ही 1 एकड़ रही होगी कम से कम, लेकिन वो 55 एकड़ जमीन तो नगर के विकास नगर में आ गई है। और जब नगर में आ गई है तो जिसमें चरनोई भूमि थी, जिसमें पशु चारा होता था, अगर वो नगर के विकास में ले ली गई है तो क्या उतनी ही मूल्य की, उतने ही वजन की, उतने ही माप की हमें दूसरी भूमि क्रिएट नहीं करना चाहिए? ये मन में विचार आया और उस समय जब मैं गो संवर्धन बोर्ड का दायित्व निर्वहन कर रहा था तब मैंने मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को पत्र लिखे थे कि हमें वो चरनोई भूमि बताओ जो शहर के अंदर आ गई है, शहर का विकास हो, आधुनिक रीति से विकास हो, हमें उसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन विकास के आयामों को सृजित करते समय हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे इस भौतिक विकास में कहीं जीवों की हानि तो नहीं हो रही है, कहीं लोग दुखी तो नहीं हो रहे हैं, किसी की रोजी रोटी तो नहीं छिन गई है। इसलिए ये विकास के आयामों में मुख्य संवेदनशील आयाम जो मुझे नजर आता है ये होना चाहिए। एक और बात है, इससे पहले भी बहुत सारे पॉलिटिकल लोगों को हमने मंच पर बुलाया है, तो जब डेवलपमेंट के कंपैरिजन होता है तो बहुत सारे लोग बोले कि हम इंदौर या भोपाल से पिछड़ गए हैं, कारण जो भी हो सकता है, तो मैं आपके नजरिए से जानना चाहता हूँ कि हम क्या पिछड़े हैं या कहाँ हैं अभी वर्तमान में जबलपुर? मैं इस बात से बहुत सहमत हूँ, मैं पूरे मध्य प्रदेश में घूमता हूँ, मध्य प्रदेश क्या, मुझे तो भारत की भौगोलिक सीमाओं के बाहर भी जाने का अवसर मिला है, मैंने वहाँ का भी डेवलपमेंट देखा है और वहाँ से आने के बाद जब हमारे यहाँ तत्कालीन, जब मैं विदेश गया था और तत्कालीन महापौर सुशीला सिंह जी थी, तब भी मैंने कहा था लोगों से, उनको उन तक संदेश भिजवाया था कि ये जो कचरा वचरा हमारे यहाँ पड़ा रहता है, मैंने जितना ग्रीन और क्लीन वहाँ विदेशों में देखा है वो हमको यहाँ नहीं दिखाई पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमारी इच्छा शक्ति, जो हमारी शासकों की इच्छा शक्ति है, जो हमारे प्रशासकों की इच्छा शक्ति है, उसमें या तो आलस्य प्रमाद है या उस चिंतन में कहीं कमी है, जिसके कारण हमको नगर जितना साफ सुथरा दिखाई पड़ना चाहिए नहीं दिखता। अब आपने जो प्रश्न उठाया है, अनेक जनप्रतिनिधियों से आपने ये सवाल किया है, तो उन्होंने ये अपनी वेदना प्रकट की है कि आज हम अपने मध्य प्रदेश में ही
जब इंदौर का विकास देखते हैं, जब हम भोपाल का विकास देखते हैं, या कभी अविभाजित मध्य प्रदेश में जब इंदौर, रायपुर, बिलासपुर हमारे पास होते थे, विभाजित हो जाने के बाद जब हम वहाँ का विकास देखते हैं और जब उसके साथ हम तुलनात्मक चिंतन करते हैं, तब निश्चित रूप से जबलपुर बहुत पिछड़ा दिखाई पड़ता है। मैंने तो लोगों से सुना है कि जबलपुर को अगर व्याख्यायित करना हो कि जबलपुर नगर कैसा है, तो हम भेड़ाघाट के कारण या यहाँ के जलप्रपात के कारण तो जबलपुर के महत्व को हम अच्छे ढंग से प्रस्तुत करते हैं, पर जब विकास की दृष्टि से देखते हैं तो निराशा लगती है। हमको लगता है कि एशिया का सबसे बड़ा गांव आज भी जबलपुर है, वो विकास की बाट जो रहा है, अब इसमें कमी क्या है जो मैंने अपने ढंग से सोचा है। अब एक आध्यात्मिक व्यक्ति को लोगों को दिखा रहे हैं, सुना रहे हैं, इसलिए मेरी दृष्टि में पहली बात तो यह है कि हमारे नेताओं में, हमारे जनप्रतिनिधियों में विकास के प्रति गंभीरता होनी चाहिए। दूसरा, उनका चिंतन होना चाहिए, उनका कोई विजन होना चाहिए। और दूसरी जो महत्वपूर्ण बात डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में हमें दिखाई पड़ती है कि आपसी मतभेद तो लोगों में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन विकास के नाम पर मतभेद दूर हो जाने चाहिए। विकास के नाम पर मनभेद हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि इंदौर में लोगों के, जनप्रतिनिधियों में मनभेद नहीं है, लेकिन जब विकास का मुद्दा आता है, जब विकास की चर्चा चलती है, तो सारे जनप्रतिनिधि, वो चाहे किसी भी विचारधारा से संबद्ध हो, किसी भी दल से संबद्ध हो, उनके दिमाग में एक ही बात रहती है कि हमें इंदौर का समग्र विकास करना है। इसलिए विकास के मुद्दे पर सब वो एक होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जबलपुर में हम इस अभाव का अनुभव कर रहे हैं। नेताओं का क्या कारण है इस अभाव का, अगर आप? हाँ, नेताओं के अंदर जब महत्वाकांक्षा जागती है और नेता कहते हैं कि मुझे व्यक्तिगत विकास करना है, मुझे व्यक्तिगत तौर पर अपने आप को स्थापित करना है, तो वो केंद्र में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं, वो केंद्र में या वो राज्य में कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं। तो जब ये महत्वाकांक्षा खुल करके सामने आती है, तो विकास का जो मुद्दा है वो बहुत पीछे छूट जाता है। और मेरा ही सितारा बुलंद रहे, मैं ही आगे बढ़ूं, इस दृष्टि से कहीं ना कहीं मनभेद हो जाते हैं और विकास के मुद्दे पीछे छूट जाते हैं। जबलपुर में विकास की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ पर खनिज संपदा है, यहाँ पर वनस्पति है, और तो और यदि भौतिक दृष्टि से हम विचार करें तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा उपक्रम जिसको हम हाईकोर्ट कहते हैं, वो अब यहाँ पर है, तो बुद्धिजीवियों का क्षेत्र है। तो दूसरी बात, हम अपने जनप्रतिनिधियों को जब राजनीतिक दल टिकट बांटते हैं, तो उस समय ये मापदंड उनके पास अवश्य होना चाहिए कि व्यक्ति साक्षर हो, व्यक्ति पढ़ा लिखा हो, व्यक्ति समझदार हो, देश विदेश का पर्यटन करने वाला व्यक्ति हो, तो वो विकास के आयामों को अपने एंगल से अच्छे रूप दे सकता है, अच्छा आकार दे सकता है। मुझे ऐसा लगता है कि अपवादों को छोड़ दिया जाए, मैं सबको नहीं नकार रहा हूँ, अपवादों को यदि छोड़ दिया जाए तो अधिकांश हमारे जनप्रतिनिधि अपनी लोकप्रियता के आधार पर तो आ जाते हैं राजनीति में आगे, लेकिन उनके पास विजन न हो पाने के कारण आज भी जबलपुर उन शहरों के मुकाबले पिछड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इसलिए चयन करते से हम छोटे स्तर के जनप्रतिनिधि हों, वो केवल वार्ड का विकास करें, क्योंकि छोटे छोटे विकास के बाद ही हम शहर के विकास की अवधारणा को साकार देखते हैं, तो उनका भी मापदंड होना चाहिए। मेरा परिचय है, इनका परिचय है, इनके माध्यम से मुझे टिकट मिल जाए, उनके माध्यम से मिल जाए, ये सारे मापदंड एक तरफ होने चाहिए। लोकतंत्र में सबको अधिकार है, सबको कहने। अब मैं विडम्बना ये बताता हूँ कि हमारा प्रतिनिधि यदि अंगूठा टेक है, हमारा प्रतिनिधि यदि अपने क्षेत्र से बाहर ही नहीं गया है, तो विकास की वो अवधारणा कैसे ला पाएगा? और विकास के जो आयाम है, विकास की जो मापदंड है, शिक्षा के क्षेत्र में कैसा विकास होना चाहिए, स्वास्थ्य के क्षेत्र में कैसा। अब मैं जब बीमार हुआ यहाँ पर, इतना भयंकर बीमार हो गया मैं डॉक्टर जामदार जी के हॉस्पिटल में, मैं बड़े विश्वास के साथ वहाँ इलाज करा रहा था, लेकिन जब मेरी हालत बिगड़ गई, तब लोगों ने निर्णय लिया कि अरे ये तो गोसंवर्धन बोर्ड के चेयरमैन है, इनको तो कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, इनको तो सारी सुविधा मिल जाएगी, और हम हाथ उठाते हैं कि हम नहीं कर पा रहे हैं, मुझे विमान में डाल करके लीलावती हॉस्पिटल ले जाना पड़ा। अगर मेडिकल हब होता हमारा जबलपुर, तो अखिलेश्वर आनंद को लीलावती न जाना पड़ता। जब मेरा हार्ट का ऑपरेशन होना था, जब मुझे स्टेंट पड़ने थे, तो डॉक्टर ने मुझसे पूछा कि आप यहाँ कराएंगे या दिल्ली में जाकर कराएंगे, तो मैंने कहा मुझे आप पर अविश्वास होगा तो मैं दिल्ली जाऊंगा, इतना योग्य डॉक्टर है जबलपुर हॉस्पिटल में, तो मैं आप पर विश्वास करके अपना इलाज करा रहा हूँ, मैं अच्छा हो गया। तो कहने का अभिप्राय है कि मेडिकल हब बन जाए जबलपुर, तो नागपुर क्यों जाना पड़े? जो विकास का जो पैसा वहाँ हम दे के आते हैं, वो सारा का सारा हम यहाँ देंगे, तो एक मेडिकल की दृष्टि से सुविधा मिलेगी। दूसरी बात, कभी कभी हमको नागरिक सेंस की बात भी देखनी पड़ती है कि रूल्स तो बने हुए हैं, रूल्स के लिए बार बार अनाउंसमेंट कराना पड़ रहा है,
बार बार सवेरे कचरे की गाड़ी निकलती है और कचरे की गाड़ी में जो है वो भोंपू बजता है, उसमें गीत बता करके बस बताना पड़ता है कि आप कचरा यहाँ डालिए, कचरा वहाँ डालिए। क्या इतना भी आज़ादी के बाद हमको सेंस नहीं आया कि हमको आज भी लोगों को बताना पड़ रहा है? नन्हे नन्हे बालक कहते हैं, मुझसे छोटे छोटे बालकों के साथ रहता हूँ तो बोले, महात्मा गांधी ने जो सफाई अभियान चलाया था स्वतंत्र भारत में, यदि उस समय तेजी के साथ चलता तो आज मोदी जी को यह अभियान भारत की स्वच्छता का चलाना ना पड़ता। ये हमारे छोटे छोटे बच्चे जो आज कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ पढ़ के आ रहे हैं, ये उनको तो दुनिया की सारी जानकारी आज मिल रही है टेलीविज़न के माध्यम से, तो वो बच्चे जब प्रतिक्रिया देते हैं तब बड़ा आश्चर्य होता है। इसलिए विकास के इन आयामों को व्यवस्थित करना चाहिए। मैं आध्यात्मिक दृष्टि से सोच रहा हूँ, यहाँ साधु संत महात्मा रहते हैं, सामान्यतः लोग कहते हैं साधु संत महात्माओं को ये सब बातों नहीं करनी चाहिए, आज आपने मुझे बुलाया, मैं कर रहा हूँ, तो लोगों को ये भी तो मालूम हो कि आखिर इसी समाज के साधु संत महात्मा घटक हैं और भारत के संविधान ने अपने देश के नागरिकों को, चाहे वो जैसी भी जीवन शैली में जी रहे हों, कोई विभाजक रेखा तो खींची नहीं है, इसलिए विकास में उनका भी योगदान होता है। अब नर्मदा है, नर्मदा के प्रति हम आस्था रखते हैं, नर्मदा भक्तों का ये नगर है, तो नर्मदा का डेवलपमेंट हो, नर्मदा के आसपास जो कूड़ा करकट डालते हैं, नर्मदा की सफाई अभियान चले, इसमें साधु संतों महात्माओं का बहुत बड़ा योगदान होता है। समय समय पर हम नर्मदा को लेकर गोष्ठियां भी करते रहते हैं, तो इसको यदि जनता फॉलो करने लग जाए और ये कभी ना सोचे कि साधु संत महात्मा सब आडम्बरी होते हैं, सब ढोंगी होते हैं, सब पाखंडी होते हैं, सब नहीं होते, जो होते हैं वही होते हैं, लेकिन समाज में अच्छे लोग भी होते हैं, उनका सम्मान हो, उनके पास जाकर के साधु संत महात्मा उनसे पूछें। मैं नर्मदा के संबंध में कहना चाहता हूँ कि नर्मदा को जब हम मानते हैं कि हमारी समग्र विकास की वो देवी है, वो आध्यात्मिक दृष्टि से हमारे लिए पूज्य है, वो एक चैतन्य देवी है, तो वो आधिदैविक दृष्टि से हमारे लिए भगवती स्वरूपा है, लेकिन आधिभौतिक दृष्टि से वो कितना कुछ हमको दे रही है। लोगों ने उत्खनन करना प्रारंभ कर दिया, उसके जीवन को चुनौती दे दी, जो हमारी लाइफ लाइन है, उस लाइफ लाइन के साथ तो हम खिलवाड़ नहीं कर सकते और किसी को ये अधिकार नहीं है, लेकिन उसके समग्र विकास का, उसके संवर्धन का, उसकी स्वच्छता का, पर्यावरण के संरक्षण का ये अभियान हम लोगों को चलाना पड़ गया। मैं कहना ये चाहता हूँ कि इन महात्माओं का भी अपना विजन होता है, इन महात्माओं का भी अपना चिंतन होता है, इसलिए उनको साथ बिठाल करके नगर के विकास की अवधारणा को हमें लागू करना चाहिए। एक बात आपने चयन की बताई, एक बात और निकल के आई कि जो नेताओं ने स्वयं बोला कि प्रेम नहीं होता है लोगों को अपने जबलपुर से सत्ता में आने के बाद, प्रेम का अभाव दिखाया था, कुछ आपको लगता है कि लैक ऑफ डेवलपमेंट? देखिए, प्रेम करना तो हमारी निजी बात है कि हम जिस शहर में हैं, जिस नगर में हैं, जहाँ हमने जन्म लिया है, भगवान श्री राम कह रहे हैं, देखिए लंका विजय की भगवान श्री राम ने, सबने कहा, विभीषण ने तो उनको आमंत्रित किया कि आप कुछ काल यहाँ रुक जाइए, लक्ष्मण ने कहा कि बड़ी सुंदर है लंका, हमने लंका का अभी आंतरिक जीवन का भ्रमण किया है, इसकी संरचना कितनी अच्छी है। एक लंकाधिपति रावण जब अपनी लंका के, अपने नगरों के विकास की अवधारणा को लागू करता है, तो हनुमान जी भी कहते हैं कि इनकी व्यवस्था तो इतनी मजबूत है, जब मैं लंका में प्रवेश कर रहा था तो प्रवेश में ही मुझे पकड़ लिया गया, लेकिन मैं अपनी युक्ति से लंका के अंदर प्रवेश कर गया, लंका की जो भौतिक संरचना है उसको देख के हनुमान जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सामरिक व्यवस्था को देखा, बड़े प्रसन्न हुए, अंत में युद्ध की में विजय मिली भगवान श्री राम को, तो कहा कि कुछ काल रुक जाइए, तो लक्ष्मण को संबोधित करके भगवान श्री राम कहते हैं, लक्ष्मण अपि स्वर्णमयी लंका नमे लक्ष्मण रोचते, ये स्वर्ण की लंका भी मुझे प्रिय नहीं लग रही, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, मेरी माँ जो मुझे जन्म देती है और मेरी मातृभूमि के साथ साथ मेरी जो जन्मभूमि है, मेरी माँ के साथ साथ मेरी मातृभूमि है, वो मुझे प्रिय है। यदि हर जनप्रतिनिधि इस माटी से प्रेम करे, हम पूरे भारत से प्रेम करते हैं, ये हमारा ब्रॉड सोच है, लेकिन हम जिस नगर में जन्मे हैं, जिस माटी में हमने खेला है, जिस नर्मदा का सानिध्य हमको मिला है, यदि उससे अपार प्रेम है तो इसे विकास की संभावनाओं के द्वार खोलने में हम सक्षम हैं, ऐसा मैं जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा करता हूँ। हमारे साथ डिजिटल इंडिया की तरफ से राकेश मिश्रा है। जी, वर्तमान में जिस तरह से गुरु के बीच में जो एक रिश्ता होता है उनको चलाने में, लेकिन मौजूदा दौर में जिस तरह से संतों का शासन के साथ में जतन, तो किस नज़र से देखते हैं? मैंने समझ नहीं पाया। मौजूदा दौर में जिस तरह से साधु संतों का समाज में स्थान है, सरकार के साथ तो समाज में तालमेल, तो शासन क्या उनका उपयोग करती है संतों का?
या मार्गदर्शन लेती है। मैं दोनों अर्थों में आपको उत्तर दे देता हूँ। उपयोग भी करती है और मार्गदर्शन भी लेती है। यदि मार्गदर्शन न लेती तो 2014-15 का जो 16 का हमारा कुंभ था, उस कुंभ में सारे संतों ने मिलकर के एक अलग से कुंभ की कल्पना की थी कि आखिर कुंभ में होता क्या है। केवल नागाओं की टीम को देखने के लिए तो लोग नहीं पहुंचते, केवल छिप्रा में स्नान करने के लिए तो लोग नहीं पहुंचते, केवल महाकाल के दर्शन के लिए तो नहीं पहुंचते। संत महात्मा जहां जहां प्रवचन करते हैं उनको सुनने के लिए जाते हैं, तो हमें कुछ ना कुछ यहां से निकालना चाहिए। दुनिया इतनी विकसित हो रही है, विकासशील देश हैं, विकसित देश हैं, भारत भी उन विकासशील देशों में काफ़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, तो विकास के जितने आयाम हैं उन आयामों की क्या यहाँ चर्चा नहीं होनी चाहिए। और इसलिए एक अभिनव कुंभ वहाँ पर लगा था, उस अभिनव कुंभ में साधु संत महात्माओं को वहाँ बुलाया गया था और कहा था कि मध्य प्रदेश के विकास के लिए हम यहाँ चर्चा करें। तब नर्मदा का मुद्दा उठ करके आया, तब प्रकृति का मुद्दा उठ करके आया, तब गायों का मुद्दा उठ करके आया, तब मंदिरों का मुद्दा उठ करके आया। और उस समय संतों ने कहा कि हम कुछ आपको दे रहे हैं काम करने के लिए, कुछ सब्जेक्ट है। तो योगी सबसे पहले तो नर्मदा की क्षीण धारा को फिर से उसकी पुराने स्वरूप में लाने की कोशिश करनी चाहिए। जहाँ जहाँ नर्मदा में उत्खनन हो रहा है उसको रोका जाना चाहिए। और जो हमारे यहाँ जंगल घट रहे हैं, जो पर्यावरण हमारे यहाँ का शून्य सा दिखाई पड़ रहा है, उसके लिए काम करना चाहिए। तो इस बात को हमारे शासक हैं तत्कालीन और वर्तमान में भी वही हैं, शिवराज सिंह चौहान जी ने, उन्होंने कहा कि मैं मध्य प्रदेश के लिए नर्मदा के लिए संकल्प लेता हूं और संतों के दिखाए मार्ग पर मैं नमामि देवी नर्मदे इस योजना को बनाता हूं। और उस समय हमने मध्य प्रदेश के संतों को एकत्रित करके, नर्मदा भक्तों को एकत्रित करके, और एक बहुत बड़ी यात्रा 145-146 दिन की यात्रा, उसमें मैं स्वयं भी शामिल था, और हमने निकाली। तो इसका ये अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि संतों का वो केवल उपयोग कर रहे हैं। ये ठीक है कि भारतवर्ष में और मध्य प्रदेश में जहाँ भी हम हैं, हम स्वस्थ जनमत निर्माण भी तो करते हैं विकास कार्यों के आधार पर। अगर किसी शासक ने विकास के किसी आयाम को छुआ है और उस आयाम को आसमान तक ले जाने का उसने अपना जज्बा दिखाया है, तो उसे प्रोत्साहित करना हमारा काम होता है। इसलिए नर्मदा सेवा यात्रा में नमामि देवी नर्मदे इस प्रकल्प के माध्यम से मध्य प्रदेश में एक हलचल तो पैदा हुई, वो संतों के सकारात्मक सोच के कारण हुई। फिर वृक्षारोपण किया जाए, आखिर नर्मदा में जल कहाँ से आ रहा है और आज नर्मदा में जल की कमी क्यों पड़ रही है। जब इस प्रकार का चिंतन चला तो वैज्ञानिकों ने, जो जल विशेषज्ञ हैं, जो भू विशेषज्ञ हैं, जो हर प्रकार के वनस्पति विशेषज्ञ हैं, इन सब लोगों ने एक स्वर में कहा कि नर्मदा जो है उसमें जो पानी है वो किसी ग्लेशियर का परिणाम तो नहीं है, उसमें जो पानी आता है वो वृक्षों की जड़ से आता है। और इसलिए वृक्षारोपण यदि हमारे नर्मदा के तट पर नहीं होगा तो फिर वर्षा का जल कौन अवशोषित करेगा। इसलिए वृक्ष लगाने का एक संकल्प हम लोगों ने लिया। ये अलग बात है कि उस दिन उस वर्ष बरसात नहीं हुई तो वृक्ष सूख गए, लेकिन आज भी अगर हमने 5 करोड़ वृक्ष रोपण किए हैं तो 1 करोड़ वृक्ष तो आज भी खड़े हुए हैं। तो वृक्षारोपण करना, नर्मदा की आवश्यकता की पूर्ति करना, ये सब विषय एक साथ 8 आयामों के माध्यम से नर्मदा सेवा यात्रा हमने निकाली। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि शासक संतों की बात मानते भी हैं और समय समय पर उपयोग इसलिए करते हैं कि उनकी बात जनता मानती है। अभी मैं निकला था, 28 क्षेत्रों में उपचुनाव हो रहे थे, मेरे पास फोन आया कि महाराज जी एक महात्मा जी कबड्डी खेल रहे हैं, तो हमने कहा हम खो खो खेलने के लिए निकल जाते हैं। और हम खो खो करके हमने उनसे कहा कि हम आपको आकलन देंगे। मैंने उनको आकलन करके दिया और मैंने उनसे कहा कि आप केवल 13 सीट जीत के आ रहे हैं लेकिन 5 डाउटफुल हैं। परिणाम क्या हुआ, वो 19 सीट जीत करके आए। तो ऐसा नहीं कि हमने स्वस्थ जनमत निर्माण नहीं किया, हम स्वस्थ जनमत भी निर्माण करते हैं और हम ये बात अच्छी तरह से समझते हैं कि हमारा उपयोग भी हो जाता है। तो अगर राष्ट्र के हित में, समाज के हित में, देश के हित में संतों का उपयोग होता है तो उसमें मैं कोई हानि नहीं समझता। मार्गदर्शन की बात ये हो गई, उपयोग की बात, मार्गदर्शन भी लेते हैं संत समाज से, संत समाज सर्वोपरि रहा, लेकिन शासक मौजूदा दौर में क्या करता है कि उपयोग मार्गदर्शन के वक्त पड़ने पर सजा भी दे देता है संतों को, उस पर क्या कहेंगे। जैसे कि अभी वर्तमान में एक बाबा बड़े चर्चित है, कंप्यूटर बाबा, जो भाजपा में ही कैबिनेट मंत्री थे, प्रधानमंत्री दर्जा प्राप्त, उनके बारे में क्या कहें। उनके बारे में तो बहुत कुछ नहीं कह पाऊंगा मैं जी, क्योंकि वो जबलपुर के बरेला के हैं, मुझसे ज़्यादा आप लोगों को जानकारी है कि उनका पूर्व नाम क्या था, पूर्व जीवन क्या था जी, वो क्या करते थे, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। मैं दूसरी बात ये बात कहना चाहूँगा मैं कि कहीं ना कहीं शासकों को पहचानने में गड़बड़ी हो जाती है कि व्यक्ति का जीवन कैसा है। यदि उसका वेरिफिकेशन कर लिया जाए और वेरिफिकेशन करके उसके आधार पर नेताजी
व्यक्ति का योग्य स्थान पर यदि चयन कर दिया जाए तो वो चमत्कार दिखाएगा, और अयोग्य व्यक्ति को किसी योग्य स्थान पर बिठा लोगे तो वो यही करेगा जो मध्य प्रदेश में हो रहा है। इसलिए मुझे इस बारे में ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा, चूँकि आपने एक बाबा का नाम लेकर के, वो चर्चित हैं, मैं अपने मुँह से उनका नाम भी लेता, एक बार हम लोग डिबेट में आमने सामने भी थे तो मैंने तो उनको ये कह दिया था कि आप पोल खोलने जा रहे हो शासक की, और मैं आपकी पोल खोल दूँ तो आपको कैसा लगेगा। इसलिए इस तरह के अनर्गल प्रलाप संतों के मुंह से नहीं निकलने चाहिए। आपकी भाषा सुष्टु निकलनी चाहिए, आपकी संवैधानिक भाषा निकलनी चाहिए, आपकी भाषा जो है वो परिमार्जित निकलनी चाहिए। आपकी भाषा यथा यथा मुच्यति वाक्यमाणम तथा तथा जाति कुल प्रमाणम, व्यक्ति जब बोलता है तो अपनी जाति कुल और अपनी शिक्षा को, अपनी आध्यात्मिक शिक्षा को, अपनी साधना को भी तो प्रमाणित करते चलता है। मुझे लगता है कि उन्होंने जो कुछ भी अपलाप किया है, उन्होंने जो कुछ भी अनर्गल प्रलाप किया है, उसी का फल वो भोग रहे हैं। इससे अधिक मैं उनके बारे में और कुछ नहीं कहना चाहूँगा। एक सवाल, 15 साल तक भाजपा का शासन किस नज़र से लेते हो शासन? मैं ऐसा मानता हूँ कि जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी और भारतीय जनसंघ के बाद एक दौर ऐसा भी आया था जब इस देश ने इमरजेंसी झेला था, आपातकाल का दौर देखा था, उसके बाद कई राजनीतिक दलों का विलय हो गया था, उसमें जनसंघ भी विलीन हो गया था जनता पार्टी के रूप में। बाद में उनको लगा कि हमारी विचारधारा जो घालमेल हो गई है, इसके कारण लोगों के साथ हमारा तालमेल नहीं बन रहा, तो वही घटक जो भारतीय जनसंघ के घटक थे वो भारतीय जनता पार्टी के रूप में उभर कर आ गए। उनके पास विजन भी है, उनके पास देखने का नज़रिया भी है, उनके पास एक संगठन है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ बिना लाव लगेट के, मुझे किसी भी रूप में आप प्रस्तुत कर सकते हैं समाज के सामने, क्योंकि मैं अपने बारे में निर्भ्रांत रहता हूँ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से भारतीय जनसंघ का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी का जन्म हुआ, उदय हुआ, और भारतीय राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो निष्ठावान, जो अनुशासित, जो राष्ट्रभक्त घटक हैं वो भारतीय जनता पार्टी के घटक बने। इसलिए उनके विजन में हमें कोई संदेह नहीं है, राष्ट्रभक्ति में कोई संदेह नहीं है, देश के विकास में कोई संदेह नहीं है, और उनको जहां अवसर मिला केंद्र में, जहां अवसर मिला उनको राज्य में, वो अपने ध्येय से जरा सा भी नहीं भटके हैं और देश को सही दिशा में वो ले जा रहे हैं। इसलिए पूरा समाज, अपवाद को छोड़ सकते हैं, लेकिन पूरा का पूरा जो समाज का अच्छा वर्ग है वो उनके साथ आज सन्नद्ध होते दिखाई पड़ रहा है। प्रवीण मिश्रा जी हैं। जी मिश्रा, योग्य जो नागरिक होता है वो अपनी शिक्षा के माध्यम से ही हो सकता है, और जिस प्रकार की शिक्षा शासकों के द्वारा निर्धारित की गई है स्कूलों में, कॉलेजों में, उसमें दो प्रकार की विसंगतियाँ दिखाई हैं। एक वो जो अपने कॉलेजों में अपने हिसाब से शिक्षा दे सकते हैं, एक हम जो हम नहीं दे सकते। हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि अगर हम अपने बच्चों को धर्म से जुड़ी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, नीति से जुड़ी शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, राष्ट्र को का प्रेम चैतन्य और जागृत करने की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं, और इसमें धारा 30A बहुत बड़ा रोड़ा बनी हुई है, तो इस धारा 30A को समाप्त करने के लिए संतों का क्या योगदान होना चाहिए और क्या योगदान हो रहा है? मैं विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल से जुड़ा हुआ भी हूँ और संतों की एक उच्चाधिकार समिति उससे भी जुड़ा हुआ हूँ। अभी हाल ही में दिल्ली से मैं लौटा हूँ बैठक से और आपके पास ताज़ा आया हूँ। इसके पहले भी हम लोगों ने कई बैठकें अटेंड की हैं, धर्म संसद के माध्यम से भी हुई हैं, मार्गदर्शक मंडल के माध्यम से हुई हैं। हम मैकाले की शिक्षा पद्धति से पूर्णतः असहमत हैं, नंबर एक। नंबर दो, भारतवर्ष में जो संविधान स्वीकार किया गया उसको सेकुलर कहा गया, सेकुलर का अर्थ कर दिया गया ब्रह्मवश धर्मनिरपेक्ष। भारत की पहचान सदियों से धर्म सापेक्ष रही है, वो देश कभी धर्मनिरपेक्ष नहीं रहा है और ना हो सकता है, क्योंकि धार्मिक आस्थाएं यहाँ की जमीन की गहराइयों में गई हैं, आकाश की ऊंचाइयों में गई हैं, और इसलिए धार्मिक आधार पर सोचना, धार्मिक आधार, और जब धर्म शब्द की हम व्याख्या करते हैं नहीं, हाँ, तो इसलिए कोई भी नीति भारत की हो, चाहे वो राजनीति हो, चाहे शिक्षा नीति हो, किसी भी प्रकार की, चाहे विकास की नीतियाँ हो, उसमें धर्म का पुट अवश्य होना चाहिए। आज हम जिन जिन राज्यों में अनुकूल सरकारें देख रही हैं उन उन राज्यों में शिक्षा पद्धति, खासतौर से शिशु शिक्षा पद्धति और जो गुरुकुल के आधार पर चलती थी, धीरे धीरे वो डेवलप हो रही हैं, उस दिशा में हम सब लोग जा रहे हैं। आपने बड़ी अच्छी बात कही कि धर्म की शिक्षा नहीं दी जा रही है। केंद्र सरकार जब पहली सरकार बनी और उसके जो मुखिया पंडित जवाहरलाल नेहरू बने, वो पूरी तरह से, मैं समझता हूँ कि धर्म को वो समझ रहे थे,
पर दुर्योधनी वृत्ति के थे वो। दुर्योधन कहता है जानामि धर्मम नचने नचमे प्रवृत्ति। महाभारत के दुर्योधन और महाभारत के पांडव ये एक ही गुरुकुल में तो शिक्षा लेने जा रहे थे, एक ही गुरु ने तो उनको धर्मम चर सत्यम वद ये सिखा रहे थे। लेकिन धर्मम चर तो युधिष्ठिर के जीवन में दिखाई पड़ा, सत्यम वद तो युधिष्ठिर के जीवन में दिखाई पड़ा। तो दुर्योधन से कहा गया कि तुम भी उसी गुरुकुल में पढ़ के आए हो, लेकिन तुम्हारे जीवन में धर्म नहीं दिखता, क्या तुमने धर्म की शिक्षा नहीं ली? तो क्या कहता है वो, जानामि धर्मम नचमे प्रवृत्ति, मैं धर्म को तो जानता हूँ पर मेरी उसमें प्रवृत्ति नहीं है। और जानामि अधर्मम, मैं अधर्म को भी जानता हूँ, नचमे निवृत्ति, मेरी निवृत्ति नहीं होती। तो जिनकी अधर्म से निवृत्ति ना हो रही हो और जिसकी जिनकी धर्म में प्रवृत्ति ना हो रही हो, वे लोग अगर देश में शिक्षा का कोई मॉडल तैयार करेंगे तो मैकाले पद्धति का ही मॉडल तैयार करेंगे। इसके कारण देश में महती हानि हुई है, किंतु नई जनरेशन जो आज की है वो जनरेशन धर्म के बहुत नज़दीक आ रही है। इसलिए कि धार्मिक आंदोलन के जो प्रणेता साधु संत महात्मा धर्माचार्य, उन्होंने जिस तेजी के साथ चिंतन प्रारंभ किया है उसके परिणाम हमको दिखाई पड़ रहे हैं। और इसलिए आज की नवोदित पीढ़ी वो सत्य के ज़्यादा निकट दिखाई पड़ रही है, वो न्याय के ज़्यादा निकट दिखाई पड़ रही है, वो संवेदना के ज़्यादा, वो क्षमा दया मैत्री करुणा परोपकार सदाचार इनके ज़्यादा निकट दिखाई पड़ रही है। एक प्रश्न से इसी में से एक प्रश्न और छोटा सा है। सूत्र ये है अहिंसा परमो धर्म पर धर्म हिंसा तदैव च। जब गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन को तैयार करते हैं, तो ये बात हमारी युवा पीढ़ी तो हमको अपने आप को सक्षम बनाना पड़ेगा और इसकी शुरुआत तो हमको स्कूलों से ही करनी पड़ेगी। ये और धारा 3 से समाप्त करने की बात, विद्या शस्त्रंच शास्त्रंच द्वय विद्ये प्रतिपत्तये। हमारे नीति शास्त्रियों ने लिखा है कि विद्या दो प्रकार की होती है, एक शस्त्र विद्या होती है और एक शास्त्र विद्या होती है। इसलिए हमारे शिक्षण संस्थाओं में NCC आदि के जो कैंप लगते हैं उसमें शस्त्र विद्या सिखाई जाती है और नागरिकों को तैयार किया जाता है। शास्त्र विद्या भी बताई जाती है जिससे हमारा बौद्धिक बल हो, शारीरिक बल और बौद्धिक बल ये दोनों मिलकर के राष्ट्र का निर्माण करते हैं। इसलिए मैं आपको इसका उत्तर बड़े आराम से दे रहा हूँ। मैं पूरे भारत के लगभग सभी अंचलों में, सभी प्रांतों में, सभी क्षेत्रों में भ्रमण करता हूँ। आप निराश मत होइए, आने वाली पीढ़ी को उस प्रकार की शिक्षा धार्मिक आधार पर दी जा रही है, कट्टर नहीं बनाया जा रहा है। हम उनको सहिष्णुता का भी पाठ पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी आपने जो कहा अहिंसा परमो धर्मा, ये आधा वाक्य है। हम अहिंसा परम धर्म है, ये हमारी पहचान है, लेकिन अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपने राष्ट्र की रक्षा के लिए, अपने जीवन मूल्यों की रक्षा के लिए यदि हमें हिंसात्मक होना पड़ा तो ये हिंसा भी अहिंसा के बराबर ही होती है। हम इसको हिंसा नहीं मानते, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, हम इसका समर्थन करते हैं। शरद चंद्र उपाध्याय जी हैं उनका पारसवी। मैं जो प्रश्न कर रहा हूँ उस प्रश्न के साथ मेरी एक याचना भी है आपसे, क्योंकि आप आध्यात्मिक जगत में बहुत ऊपर से जुड़े हुए हैं। हमारे नगर को संस्कारधानी विनोबा भावे जी ने कहा और निश्चित रूप से वो संस्कारधानी का नाम कृतार्थ किया हमारे नगर। हमारे नगर को रामकिंकर जी, सत्यमित्रानंद जी, विद्यासागर जी, महर्षि जी, रजनीश जी और हंटनपाल दादा जैसे महंतों ने भी आशीर्वाद बताया। मेरा ये आपसे प्रश्न है कि क्या नगर के अंदर जो 5 साल सत्ता चलाते हैं उनकी मूर्तियां स्थापित की जा सकती, पर जिन्होंने हमको धार्मिक नेतृत्व दिया क्या उनकी मूर्तियां स्थापित नहीं की जा सकती? नगर के अंदर एक प्रश्न हमेशा अभी उठ रहा है कि एक शंकराचार्य की मूर्ति हम एक चौराहे पर स्थापित करें और संस्कारधानी का नाम हम सही रूप से चरितार्थ करें। बहुत उत्तम प्रश्न है आपका ये और मैं इसका मन से समर्थन करता हूँ। और एक बात आपको बताना चाहता हूँ, जब नई नई अवधारणाएं विकसित होने लग जाती हैं और जब जनहित याचिकाएं अदालत में चली जाती हैं और अदालत के द्वारा जब कोई दिशा निर्देश दे दिया जाता है तो उसका अनुपालन करना जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और आम जनता की जिम्मेदारी बन जाती है। चौराहे चौराहे मूर्तियां स्थापित करना ये बहुत अच्छा है, क्योंकि नई पीढ़ी को उन मूर्तियों के बारे में जानकारी होनी चाहिए।
आपने आदि शंकराचार्य जी का नाम लिया, नर्मदाष्टक हम आदि शंकराचार्य के द्वारा रचित गाते हैं, वो नर्मदाष्टक पूरी तरह से जब देखेंगे उसको, हम इसके अर्थ को निकालेंगे तो आध्यात्मिक अर्थ भी निकलते हैं, आधिदैविक अर्थ भी निकलते हैं और उससे भौतिक अर्थ भी निकल जाते हैं। तो हमारे देश के जो ऋषि महर्षि जो बड़े बड़े महापुरुष रहे हैं और जिन्होंने नर्मदा और नदियों के तट पर, सरिताओं के तट पर तपस्या करके और देश भर का भ्रमण किया है, उनकी मूर्तियां अवश्य स्थापित की जानी चाहिए। इसलिए जब नर्मदा सेवा यात्रा निकली तो हमने छोटी लाइन फाटक चौराहे का नाम कोई और नाम ना हो जाए इसलिए उसका आदि शंकराचार्य चौक नाम रखवाया। अब जहाँ तक मूर्ति स्थापित करने की बात है तो मूर्ति स्थापना के लिए माननीय हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया हुआ है कि जब चौराहे पर मूर्ति स्थापित हो जाती हैं और जब मूर्तियों की देख रेख नहीं होती है तो उसके ऊपर पक्षी विट करते हैं, उसके कारण हमारी धार्मिक भावनाएं आहत हो जाती हैं। इसलिए यदि कहीं चौराहे के कॉर्नर पर और कोई छोटा मोटा ट्रस्ट मूर्तियों के रखरखाव का बनता है और कोई समिति कोई ट्रस्ट उसकी पहल करता है कि इस महापुरुष की जब वार्षिक जयंती आएगी तो हम पूरा इसकी जयंती पर उत्सव मनाएंगे, वैसा करेंगे, तो ऐसा अगर होता है तो विशेष परिस्थितियों में अनुमति भी मिल जाती है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि हमारे महापुरुषों की चौराहे चौराहे मूर्ति लगनी चाहिए। मुझे इस समय एक स्वामी जी जैन मुनि जिनका देहावसान हो गया वो बड़े कड़वे प्रवचन के लिए जाने जाते थे, तरुण सागर जी, वो एक बात कहते थे कि हमने अपने महापुरुषों को, हमने अपने भगवान को मंदिर में कैद कर दिया। महावीर स्वामी को अगर हम मंदिर में ही रखेंगे तो मंदिर में ही आने वालों को उपदेश दे पाएंगे, लेकिन महावीर स्वामी को अगर हम चौराहे पर लाकर खड़ा करेंगे, शंकराचार्य को चौराहे पर लाकर खड़ा करेंगे, रामानुजाचार्य को, निम्बारकाचार्य को, वल्लभाचार्य को, जितने श्रेष्ठ श्रेष्ठ आचार्य, जावाली ऋषि को, इनको अगर हम चौराहे पर लाकर खड़ा करेंगे तो कम से कम जिज्ञासाएं बनेगी, उसका समाधान मिलेगा और उनका जीवन अनुकरणीय बनेगा हमारी वर्तमान पीढ़ी के लिए। इसलिए मंदिरों में सिमटा भगवान हमारे भोग, हमारी श्रद्धा और हमारा वो सब कुछ लेने के लिए तैयार है, लेकिन जब वो देने के लिए उद्यत है तो हमें चौराहे पर लाना ही चाहिए। इसलिए मैं आपकी बात से सहमत हूँ और कहीं ऐसा उपक्रम होता है तो उसके लिए मैं आपके साथ सदा खड़ा हूँ। एक सवाल हम करेंगे उसके बाहर पूछेंगे, कल जो अयोध्या में हुआ पहले योगी जी का भाषण हुआ, उन्होंने कहा अयोध्या ने बहुत अपमान झेला है, अब तो एक वैदिक नगर के रूप में उसको स्थापित करेंगे और पंचकोशी 14 कोशी 84 कोशी में जो बाधाएं आती थी वो भाव हट गया, लोगों का एक विश्वास जगह है, आत्मविश्वास जगह है, अयोध्या के प्रति प्रेम हुआ है, इसको कैसे देख रहे हैं? ये बहुत अच्छा स्वर्णिम अवसर आया है भारत को स्वर्णिम भारत बनाने के लिए। भौतिक दृष्टि के से विकास के जितने आयाम हैं उनका भी स्पर्श होना चाहिए और इकोनॉमिकल स्ट्रांगनेस भारतवर्ष में आए इसके लिए भी राजनीतिक स्तर पर या अर्थशास्त्री इसका चिंतन करें, ये तो अवश्य होना चाहिए। लेकिन जिस देश की पहचान दुनिया में आध्यात्मिक पहचान बनी है और जिनके कारण बनी है, ऐसे अयोध्या का जो अपमान का दंश हमने 500 वर्षों में झेला है, यदि आज वो पूरी तरह से संवैधानिक दृष्टि से भी, सामाजिक दृष्टि से भी, विश्वास की दृष्टि से भी, जीवन मूल्य की दृष्टि से भी, आदर्श की दृष्टि से भी अगर वो पूरी तरह से उन्मुक्त वातावरण में है तो अयोध्या का ये स्वरूप तो विकसित होना ही चाहिए। आज वेटिकन सिटी जिस रूप में मानी जाती है, हम अयोध्या को उससे भी अधिक ढंग से विकसित करना चाहते हैं। इसके लिए उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी जी ने और भारत के प्रधानमंत्री जी ने जो विकास का मॉडल तैयार किया है, वो केवल एक मंदिर मात्र नहीं है, मंदिर के साथ उसके जितने आयाम है वो धीरे धीरे विकसित होंगे और अयोध्या का मंदिर विश्व का सुंदरतम मंदिर बनेगा। अच्छा, अब अयोध्या का एक इतिहास है, आपने चूंकि इस विषय को छेड़ दिया है, भगवान श्री राम को जब लंका में विजय श्री मिली थी और उसके बाद जब वो आए थे अयोध्या, तो अयोध्या का वो दिन दीपावली का दिन था क्योंकि अयोध्या की लक्ष्मी चुरा करके ले गया था रावण, वो लक्ष्मी अपने नगर में प्रवेश कर रही थी। आज भी जाइए वहाँ का जो सीता जी का केकई जी के द्वारा जो कंचन महल दिया गया है उसके आप दर्शन करिए, उसको देख करके आप प्रसन्न हो जाएंगे, आँखों से आपकी गंगा यमुना निकल पड़ेगी कि हमारे अयोध्या का वैभव कैसा था, उस वैभव को पुनः स्थापित करने का यह अवसर है। इसलिए पूरा देश क्या, पूरा विश्व और पूरा हिंदू जगत और पूरा सनातन संस्कृति में विश्वास रखने वाला जगत प्रसन्नता आह्लाद का अनुभव कर रहा है और दीपोत्सव जैसे उस समय मनाया गया था
वैसा ही दीपोत्सव अब हम लोग देख रहे हैं। हम बड़े भाग्यशाली हैं वर्तमान पीढ़ी के लोग कि भले ही वहाँ ना पहुँच रहे हों पर दूरदर्शन के माध्यम से टेलीविज़न के माध्यम से हम उस दृश्य को देख करके अभिभूत हो रहे हैं। ये होना ही चाहिए, अब ये रुकने वाला नहीं है। हम चिंतन भी दीपावली के दिन कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा है, बहुत बहुत बधाई। मैं पूरे देशवासियों को, पूरे प्रदेशवासियों को, नगरवासियों को आपके चैनल के माध्यम से, इस चर्चा के माध्यम से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और सबका अभिनंदन करता हूँ। एक सवाल और है हमारे बीच मंच का आया है कि अयोध्या के बाद क्या मथुरा काशी की राह क्या है? देखिए, इस देश की पहचान बताने वाले कुछ स्थान हैं जिसके कारण पूरी दुनिया में भारत को जाना जाता है। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के स्थान, 52 शक्ति पीठों के स्थान, जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ ऐसा अयोध्या, जहां भगवान कृष्ण का जन्म हुआ ऐसी मथुरा, जहां बाबा विश्वनाथ विराजमान है ऐसी काशी, ये सब मुक्त होने चाहिए। हमने जब आंदोलन छेड़ा था राम जन्मभूमि का, उस समय हमने धर्म स्थान मुक्ति यज्ञ समिति बनाई। अभी तो हम मथुरा काशी और अयोध्या के लिए चला रहे हैं, लेकिन हमारे पास जो सूची है वो 30,000 की सूची है और हम इन 3 की मांगों पर अड़े हुए हैं। यदि विधर्मी लोग जो जिद कर रहे हैं, महत जिद कर रहे हैं, मस्जिद कह करके महत जिद कर रहे हैं, वे इन 3 बातों से सहमत हो जाएं तो बाकी के स्थानों को हम छोड़ भी सकते हैं। और हमारा सोच उनके प्रति बड़ा सकारात्मक है। मैं आज ट्वीट करने वाला हूँ क्योंकि आपके पास आ गया। मैं यहाँ के ईसाई और यहाँ के मुसलमानों से भी कहना चाहता हूँ कि पराधीनता के कालखंड में कोई असावधानी बस अगर आपके पूर्वजों ने कोई दूसरा धर्म या दूसरा संप्रदाय अपना लिया है तो स्वाधीन भारत में अब कहीं कोई अड़चन नहीं है। आपको स्वधर्म में वापस आ जाना चाहिए, हिंदुत्व में वापस आ जाना चाहिए। हम उसका वेलकम करने के लिए तैयार हैं। एक बात और, इन स्थानों की मुक्ति होनी चाहिए। परंतु राम जन्मभूमि आंदोलन विश्व हिंदू परिषद के द्वारा चलाया गया, अभी हमारी कार्य योजना में मथुरा और काशी नहीं है, लेकिन बिना कार्य योजना में रहते हुए भी एक दिन वह भी आएगा कि ये स्थान भी आपको मुक्त दिखाई पड़ेंगे, ये अंतर का विश्वास कह रहा है। एक सवाल आया है मंच का कि संत की राजनीति में सक्रियता बढ़ रही है, उसका कारण क्या देख रहे हैं आप? संतों की बढ़ रही है आकर्षण क्या? हाँ, मैं ऐसा बता सकता हूँ आपको, संतों को राजनीति के प्रति कोई आकर्षण नहीं है। जी। कोई भी संत हो, चाहे मैं हूँ, मुझे लक्षित करके भी अगर किसी ने कहा है जी। तो मैं इसका उत्तर दे देता हूँ, राजनीति हमारा पेशा नहीं है, राजनीति हमारी रोजी रोटी नहीं है, राजनीति हमारा दर्शन नहीं है, राजनीति हमारे लिए कोई जीवन वो महत्वपूर्ण पक्ष नहीं है। लेकिन देश के लिए वही राजनीति जब राष्ट्रनीति का निर्माण करती है तो हमारी अहम भूमिका अपने आप खड़ी हो जाती है। और भारत के संविधान ने बिना किसी भेदभाव के भारत के किसी भी नागरिक की विशेष पहचान न बताते हुए जो मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं, वे मौलिक अधिकार भारत के साधु संत महात्माओं को भी मिले हुए हैं। इसलिए राजनीति में प्रवेश पर किसी भी प्रकार की रोक नहीं है। हाँ, राजनीति वो गंदा नाला है कि वहाँ जाकर के व्यक्ति को नाला तो साफ कर देना चाहिए पर नाला का हिस्सा नहीं बनना चाहिए, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। गंदगी हटाने के लिए हम वहाँ जा रहे हैं, हम गंदगी का हिस्सा बनने के लिए नहीं जा रहे हैं। उस बदबू से हम बदबू करने लग जाएं, ये हम लोगों को अभीष्ट नहीं। एक सवाल हमारे मंच के अनुज सिंह का है। जी, जबलपुर के में बहुत सारे महर्षि मनीषी मंडे पर हुए और जबलपुर के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि, उनसे लगातार संपर्क रहते हैं, उनसे समर्थन, उनके मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। परंतु उसके बाद भी शहर का वो विकास का स्तर जो नहीं हो पा रहा है, तो क्या अब समय आ गया है कि जो जैसे योगी जी ने यूपी सत्ता संभाली मैं इस पे क्या उत्तर दूंगा? अरे भाई, भगवान जिसको निमित्त बनाएगा वो अपने आप आ जाएगा उभर करके। योगी जी की बैकग्राउंड है, मैं योगी जी के गुरु के साथ लंबे समय तक रहा हूँ, महंत श्री अवैधनाथ जी के साथ, गोरक्ष पीठाधीश्वर। मैंने छिंदवाड़ा में 3 कार्यक्रमों में उनको, उस समय जब मैं ब्रह्मचारी ध्रुव नारायण हुआ करता था, तब इतनी पहचान मेरी नहीं बनी थी, मैं विश्व हिंदू परिषद का एक सामान्य कार्यकर्ता, जिम्मेदार कार्यकर्ता होता था। उस समय महंत अवैधनाथ जी महाराज का मैंने मार्गदर्शन लिया था छिंदवाड़ा में, और मैं कहा था महाराज जी, कभी कभी मेरे अंदर राजनीतिक महत्वाकांक्षा जागती है, आपका क्या कहना है? तो महाराज जी ने एक बात कहा कि ये तो जागना स्वाभाविक है, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश में ही डटे रहना, मध्य प्रदेश में ही लोगों को जागृत करते रहना, यहाँ पर विकास की अपार संभावनाएं हैं, यहाँ के वनवासियों को, उनके स्वाभिमान को जगाते रहना, आज वो काम मैं कर रहा हूँ। तब योगी आदित्यनाथ जी एक नन्हे से बालक के रूप में दिखाई पड़ते थे, कभी उस बालक के अंदर इस संभावना को हम नहीं देखते थे, लेकिन पूज्य महंत अवैधनाथ जी महाराज फार्म भर देते थे
हिंदू महासभा से, हमने कहा हमारे हिंदू महासभा तो समाप्त हो गई है, आप भारतीय जनता पार्टी से क्यों नहीं आते? तो बोले ठीक है हम भारतीय जनता पार्टी से फॉर्म भर देते हैं। महाराज जी केवल फॉर्म भरते थे, नॉमिनेशन करते थे, कभी वोट मांगने नहीं जाते थे, आखिरी दिन केवल हाथ जोड़ के निकलते थे और लोग कहते थे हम तो गोरखनाथ को ही अपना वोट देंगे। तो योगी आदित्यनाथ को विरासत में मिली हुई है ये राजनीति, इसलिए वह व्यक्ति संभावनाओं के शिखर पर है और वो व्यक्ति आगे भी किस शिखर को छुएगा ये संभावना भी दिखाई पड़ रही है। उस जैसा अगर किसी को प्रोत्साहन मिला है और अगर वो व्यक्ति आगे आएगा तो भगवान की कृपा होगी। इसलिए मैं कहता हूँ कि साधु संत महात्माओं का, और मैं एक बात कहता हूँ, ये मेरी आचार्य रजनीश से प्रभावित हूँ, मैं उनके प्रवचनों से, उनके जीवन दर्शन से प्रभावित नहीं हूँ, पर वो एक बात कहते थे कि राजनीति में अराजनैतिक चित्त के व्यक्ति को आना चाहिए, जिनका राजनीतिक चित्त है उसे राजनीति में कभी नहीं आना चाहिए। तो राजनीतिक चित्त क्या है, जब इसकी इसका भाष्य करना पड़ेगा मुझे, तो जो छल कपट है, षड्यंत्र, पाखंड, ढोंग, आडंबर, महत्वाकांक्षा, इनके वसीभूत होकर के जो राजनीति में आता है वो राजनीतिक चित्त का व्यक्ति होता है। देख लूंगा कल तुझे, बता दूंगा कल तुझे। लेकिन जो व्यक्ति कहता है मुझे तो देश का विकास करना है, मुझे तो जीवन मूल्यों को स्थापित करना है, राजनीति सेवा का एक माध्यम है, मैं इसकी पवित्रता को बनाए रखूंगा, जब इस प्रकार से कोई व्यक्ति आता है मैं उसे अराजनैतिक व्यक्ति कहता हूँ। इसलिए भारत की राजनीति को अराजनैतिक चित्त के व्यक्ति के हाथ में देना चाहिए। यह अलग बात है कि राजनीति का यह हिस्सा कूटनीति भी है, तो कूटनीति वो एक हिस्सा है, उसका भी उपयोग करना चाहिए। मोदी जी उसी का उपयोग करते चले जा रहे हैं। राजनीति में भाषा का चीर रहा है, इस संदर्भ में क्या कहेंगे? मैंने अभी जब 28 क्षेत्रों में चुनाव के लिए गया तो एक व्यक्ति को केंद्रित करके मैंने ये बात रखी थी कि अमर्यादित भाषा, ऐसी बजारू भाषा का उपयोग लोग कर रहे हैं जिसका उपयोग कम से कम उस उद्योग घराने के व्यक्ति को तो नहीं करना चाहिए जो इस समय देश के 10वें-11वें नंबर का पूंजीपति माना जाता हो, जिसके पास पैसा है, जिसके पास कुछ विकास का विजन है। अगर वो व्यक्ति घटिया स्तर पर किसी महिला का अनादर कर दे या अनर्गल भाषा का प्रयोग कर दे, उन्होंने नहीं, उनके पूरे काकस ने उपयोग किया अलग अलग ढंग से, मैं साधु हूँ इसलिए उन वाक्यों को मैं कोट नहीं करूँगा, मैं उन लोगों के नाम भी नहीं लेना चाहता हूँ, मुझसे ज़्यादा आप जानते हैं। इतनी घटिया भाषा का इस्तेमाल करके आप कौन सी राजनीति करना चाहते हो? यत्र नारियस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जिस देश में नारियों का सम्मान देवता के रूप में होता हो, देवियों के रूप में होता हो, उस समय तो कम से कम नारी मर्यादा का हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर दूसरी दूसरी भाषाएं, हम किसी व्यक्ति को, जिस व्यक्ति ने 15 वर्ष का अनुभव लेकर के प्रदेश में शासन चलाया, यदि उसे नालायक कह दिया जाए तो मैं आपको महानालायक कहने में संकोच नहीं करूंगा। राजनीतिक मंचों पर जो हमारे जैसा जीवन जीने वाले लोग जब कहते हैं कि कंस का, रावण का और शिशुपाल का निचोड़ निकाला जाए, तब एक व्यक्ति मध्य प्रदेश का निकलता है, क्या ये महात्मा की भाषा होनी चाहिए? इस अशिष्टता को समाप्त करना बहुत, और यही लगता है उनके हार का कारण भी बना, पराजय का कारण बना। इसलिए राजनीतिक ये जो चीरहरण हो रहा है भाषाओं का, ये नहीं होना चाहिए। हमेशा नेता को साफ सुथरी भाषा का प्रयोग करना चाहिए, मर्यादा में बोलना चाहिए। कॉफी हाउस विचार मंच पर कार्यक्रम चर्चा चौक चैनल पर हमारा बहुत सौभाग्य है कि आज हमारे बीच में बहुत दिव्य संत, जिनका मार्गदर्शन संस्कार धनी जबलपुर को मिलता रहा है, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी हमारे साथ रहे हैं। और एक बहुत अच्छी बात उन्होंने कही कि, लेकिन हम लोग उनसे ये प्रेरणा की बात कर रहे हैं कि जो राजनीतिक दल के नेता हैं वो जबलपुर शहर के विकास के लिए एक मन से होंगे और आपके मार्गदर्शन में काम करेंगे, ऐसा हम विश्वास व्यक्त करते हैं। एक बात हम कह रहे हैं कि हमने आचार्य चाणक्य को तो नहीं देखा, लेकिन हमारे साथ महाराष्ट्र हैं और हम उम्मीद करते हैं कि ऐसे सम्राट चंद्रगुप्तों का निर्माण वो करते रहेंगे इस राष्ट्र के निर्माण के लिए। हम हृदय से आभार व्यक्त करते हैं डॉक्टर सुमित्र के शब्दों में कि दिशा दिगंबर नीला अंबर सभी हुए नशीस, जीवन नौका चले निरंतर रेवा का आशीष। महाराष्ट्र आपका बहुत आभार, और अगले सप्ताह हम फिर मुलाकात करेंगे एक नई शख्सियत से, नई चर्चा शहर के विकास पर। महाराष्ट्र का हम 2 मिनट और लेना चाहेंगे अपनी परंपरा के अनुसार। ये थोड़ी सी हम लोगों की स्वागत की एक श्रृंखला है, उपाध्याय जी हमारे साथ हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत अच्छा लगा। उपाध्याय जी हमारा जी एक धन्यवाद, आइए राजेश, से मैं यहाँ आया इसके लिए।
नेता है। बहुत अच्छा महाराज जी आपका मार्गदर्शन, हम सब लोगों के साथ रहे और चैनल कार्यक्रम आगे बढ़ता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, और इस क्रम को आप चलाते रहिए और सुधी जनों का साक्षात्कार यहाँ की जनता के साथ कराते रहिए। बिल्कुल महाराज जी, आपका आशीर्वाद। ठीक है ना, एक उपाध्याय जी आप, राजेश, राजेश महाराज जी, राजेश फोटो नहीं, हमने मैं तो लेते ही नहीं ना, हम तो आप लोगों के लिए काफ़ी हाउस में आए थे इसलिए। हमारे सारे मंडल की ओर से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कॉफी हाउस विचार मंच पर अभी आप सुन रहे थे अपने विचार शहर के विकास को लेके, राज्य और देश के विकास को लेके, महामंडलेश्वर स्वामी अखिलेश्वरानंद उदगीरी के विचार जिन्होंने सुने, और हम बहुत धन्य हुए दीपावली के दिन उन्होंने हमें समय दिया। अगले सप्ताह शनिवार को फिर शहर विकास की संभावनाओं को लेकर किसी को आमंत्रित करेंगे, उनसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, और आप सभी दर्शकों को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं चर्चा चौक से और कॉफी हाउस विचार मंच परिवार की ओर से। नमस्कार। चर्चा चौक।